नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म 2025 कब तक आएंगे, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एंड कौन सी गलतियां करने से आपको बचना है। पिछले साल की बात करी जाए तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने कुछ गलतियां की थी जिसके चक्कर में उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। वो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी चीज आपको बताने वाला हूं। अगर पहली बार आ रहे हो आप हर्षित की पढ़ाई पर तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। और यहां कोई भी मैं आपको इधर उधर घुमा के नहीं बताऊंगा, क्लियर आंसर बताऊंगा कि कब आपके फॉर्म आएंगे। ठीक है, अभी कंपार्टमेंट एग्जाम के जब रिजल्ट की बारी आई थी, मैंने बोला था कि इस तारीख को आएगा और उसी तारीख को रिजल्ट आया था। पहले प्रेडिक्ट कर दिया था एनालाइज करके। करेक्ट, ध्यान से वीडियो को देखिएगा बहुत। और अगर मुझसे फॉर्म फिल कराना है उसका भी पूरा बताऊंगा। स्टूडेंट्स बोल रहे थे ये अपना फोन नंबर दे दो, ये वो, उसका भी बताऊंगा सब। एंड तक देखना, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रेडी रखने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बोलो या क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी फॉर्म फिल के लिए। अभी तो बता रहा हूँ, अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको भेजनी पड़ेंगी, तभी फॉर्म फिल होगा या खुद से फिल करोगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज़ एक रेडी रख लो, वो है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा? स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया मेरी कंपार्टमेंट आई थी, एक कंपार्टमेंट का अलग एडमिट कार्ड मिला था, है ना, जब मैंने मेन बोर्ड एग्जाम दिया था वो अलग मिला था। एडमिट कार्ड सर आपको चाहिए है किसका? मेन बोर्ड एग्जाम का। लेट से आप मान लो क्लास 12th में हो आप, ठीक है, तो आपने क्लास 12th का सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम दिया था उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको रेडी रखना है सर। ठीक है, एडमिट कार्ड तुरंत रेडी रखो। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी करोगे ना तो ये सारी चीज़ों के साथ करना। ठीक है, बताऊंगा आगे कैसे व्हाट्सएप पे मेरे से आप कॉन्टैक्ट करोगे, कैसे मैं आपको फॉर्म फिल करूँगा। ठीक है, अब ये एडमिट कार्ड चाहिए क्यों? क्योंकि भैया एडमिट कार्ड में से हमें कुछ मेन चीज़ें चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है ये लिख के रख लो एडमिट कार्ड में से। अभी एडमिट कार्ड निकाल के रख लिया, एडमिट कार्ड में से सबसे पहले तो उसका रोल नंबर निकाल के रख लो। सर रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा। रोल नंबर के साथ साथ आपका एक स्कूल कोड होगा सर, वो लिख के रख लो। स्कूल कोड के साथ उसमें सेंटर कोड होगा सर, वो निकाल के रख लो। और आपका क्लास कौन सा है, 12th या 10th है, वो तो आपको पता ही होगा वो। उसके अलावा एडमिट कार्ड पे एक ईयर और डाला होगा कि कौन से साल में आपने एग्ज़ाम दिया। ये सारी चीज़ें बिल्कुल लिख के रख लो। अगर आपको मेरे से फॉर्म फिल कराना है, आगे बताऊंगा कौन से नंबर पे मैसेज करना है, क्या कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ आपको लिख के मेरे को भेजना है। मैं बताऊंगा नहीं वहाँ व्हाट्सएप पे कि ये चीज़ मेरे को भेजो। क्लियर? तो ये चीज़ सबसे पहले आप रेडी रख लो, एडमिट कार्ड। ठीक है, कर लिया? हाँ जी। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, अपना एक फ़ोटो एंड सिग्नेचर। अब ये जो सिग्नेचर होता है ना, इसका भी आपको फोटो ही लेना है। आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो होगा, उसका आपको फोटो क्लिक करना है। एक पेपर पे आपको अपने साइन करने हैं और उसका फोटो क्लिक करना है और प्रॉपर क्रॉप करना है। और एक इसका एक साइज होता है, आई थिंक 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिमिट होती है। ये आपको बहुत सीरियसली करना है। पिछले साल की बात करी जाए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म में क्या गलती की, जहाँ अपना फोटो फिल करना था वहाँ सिग्नेचर कर दिया, जहाँ सिग्नेचर का फोटो अपलोड करना था वहाँ अपना फोटो अपलोड कर दिया, दोनों में सेम कर दिया या फोटो उल्टा सीधा कर दिया, समझ रहे हो? तो ये गलतियां करने से बचना है। ठीक है, बता रहा हूँ, पहली बता दे रहा हूँ, पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां की हैं, फिर आते हैं सर गलती होगी अब क्या करें। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एक बार गलती कर दी ना यहाँ पर सुधारने का ऑप्शन नहीं देता फिर CBSE। इस चीज़ का खास ध्यान रखना। ठीक है, मुझसे फिल कराना है, उसका भी बताऊँगा कैसे आप करा सकते हैं। ठीक है, और क्या करना है क्या नहीं करना सारी चीज़ पता चलेगी, एंड तक वीडियो को देखिएगा। फोटो एंड सिग्नेचर आपका रेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी। कैटेगरी अभी ही सेलेक्ट कर लेना कि भाई तुम्हारी कैटेगरी क्या है। कंपार्टमेंट के अंदर जाओगे या फिर इंप्रूवमेंट के अंदर जाओगे या फिर फेलियर में जाओगे या फिर एडिशनल सब्जेक्ट में जाओगे, किस में जाना है? अभी कैटेगरी पता कैसे चलेगी आपकी कौन सी है, मैं बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, सारे डाउट सॉल्व करूंगा आज। ठीक है, सिलेबस कौन सा आएगा, एग्जाम हार्ड आएगा या फिर ईजी आएगा, प्राइवेट कैंडिडेट्स का अलग होता है क्या एग्जाम, सेंटर कहाँ मिलेगा, सारी चीज़। ठीक है, कैटेगरी आपने चूज कर ली। ठीक है, अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको कैटेगरी तो चूज़ कर ली, साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट भी चूज़ कर लेना है। ठीक है, कि आपको किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। अब किसी के कंपार्टमेंट आई है तो वो तो वहाँ पर तो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम तो देना ही देना है बिकॉज आपकी कंपार्टमेंट है। कोई इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं या कोई सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो सभी ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ यहाँ पर, वो भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, वो क्या है, आपको सबसे पहले तो अपना होम एड्रेस रेडी रख लेना है। होम एड्रेस
होम एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, फॉर्म में डालना पड़ता है सर, ठीक है, हमसे फिल कराओगे तब भी डालना पड़ेगा। होम एड्रेस में आपको क्या, आपका हाउस नंबर अगर हो, घर का नंबर नहीं पता तो कुछ भी डाल देना उसमें, ठीक है, आपकी लोकेलिटी क्या है, आपका मोहल्ला क्या है, कहाँ आप रहते हो, ठीक है, उसके बाद सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, ये अभी से रेडी रखना, ठीक है, फिर ढूंढो, ये मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, ठीक है, स्टेट आपका कौन सा है, ठीक है, ये होम एड्रेस का क्या होगा, आपके घर पर आपकी मार्कशीट डिलीवर होगी, ठीक है, तो होम एड्रेस आपको अभी से रेडी रख लेना है। होम एड्रेस के साथ साथ आपको सेंटर किस जगह चाहिए सर, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर चाहिए। अब आप हो प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोले थे भैया मैं तो प्राइवेट नहीं हूँ, मैं तो रेगुलर हूँ, मेरी कंपार्टमेंट आ गई दोबारा, लेकिन मैं हूँ तो रेगुलर ही क्योंकि मैं स्कूल जाता था, लेकिन अब भाई आप प्राइवेट बन गए, आप प्राइवेट कैंडिडेट हो गए, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको सेंटर कहाँ पर चाहिए, आप सेंटर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है, तो किस जगह आपको एग्ज़ाम देना है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, अभी से डिसाइड कर लो, कहीं भी आप दे सकते हो, ठीक है, फॉर्म आएंगे वहाँ पर आप जो स्टेट डालोगे जो डिस्ट्रिक्ट डालोगे वहीं आसपास आपको सेंटर सीबीएसई द्वारा अलोकेट कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ आपको एकदम रेडी रख लेना है लिख के, ठीक है, हमसे फॉर्म फिल कराना है तो ये सारी चीज़ आप मेरे को भेज देना, मैं फॉर्म आपका फिल कर दूंगा, ठीक है, बताऊंगा एंड तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, कैटेगरी हमारी कौन सी है, ठीक है, हमें कैटेगरी कौन सी चूज करनी है, तो सबसे पहले कैटेगरी पता भी तो होनी चाहिए कि कैटेगरी कौन कौन सी हैं, ठीक है, चलो जी बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अब ये कैटेगरी जो है ये आपको दो चीज़ों से पता लगेगी, ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर, ओवरऑल रिजल्ट की, कि भैया पास हो या फिर कंपार्टमेंट है या फिर फेल हो, ठीक है, और दूसरा व्हाट यू वांट आप चाहते क्या हो, ठीक है, इन दो चीज़ों से आपकी कैटेगरी पता चलेगी, ठीक है। अब ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या है, एसेंशियल रिपीट है या फिर हो सकता है उसमें लिखा हो पास लिखा हो या फिर हो सकता है कंपार्टमेंट लिखा हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको रिजल्ट देख लेना है, रिजल्ट देखने के बाद आपको ये देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, किन किन का, अब किसी में कंपार्टमेंट आई है वो तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ क्या आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी देना चाहते हो, ठीक है, तो दो चीज़ों से आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी। अब कैटेगरी कौन कौन सी है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और समझना, सबसे पहले कैटेगरी आती है सर कंपार्टमेंट, ठीक है, अब इसमें भी काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है सर मेरे को कंपार्टमेंट चूज़ करनी है या फिर इम्प्रूवमेंट क्या, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो जी कंपार्टमेंट किनको सिलेक्ट करना है, जिनका ओवरऑल रिजल्ट जो सबसे नीचे लिखा होता है ना ओवरऑल रिजल्ट उसमें COMP लिखा है इस तरीके से, इसका मतलब कंपार्टमेंट भी होता है शॉर्ट में, तो जिनका ये COMP लिखा हुआ है ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट, उन्हें कंपार्टमेंट ही सिलेक्ट करना है। लेकिन एक चीज़ और है कि सर मेरे ओवरऑल में कंपार्टमेंट लिखा है रिजल्ट में, ठीक है, तो क्या मेरे को कंपार्टमेंट ही चूज़ करना है, नहीं, आप दूसरी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी वो कैटेगरी है एंड तक देखना, ठीक है, बिकॉज अगर आपने एक बार यहाँ कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी चूज की, ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट है, और अगर आपने कंपार्टमेंट चूज की तो सर ध्यान रखना, इफ़ यू आर इन क्लास 12th, अगर आप सर क्लास 12th में हैं तो सिर्फ आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं कंपार्टमेंट का, इफ़ यू आर इन क्लास 10th तो भाई मैक्सिमम आप दो सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। क्लियर कर दूं सर, कंपार्टमेंट में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दो सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, वो कौन सा स्पेशल केस है ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, एक एक डाउट आपके सॉल्व करूंगा ध्यान से देखिएगा। क्लास 12th में बता दूं सर, जिन स्टूडेंट्स के पास पांच सब्जेक्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ध्यान से समझना, 5 सब्जेक्ट हैं किसी के और कोई एक सब्जेक्ट में किसी की आ गई RT, यानी कि वो उसमें फेल हो गया, उसमें कंपार्टमेंट आ गई, कितने सब्जेक्ट है टोटल क्लास 12th में, 5 में एक में क्या हो गए, फेल, तो भैया आपकी क्या आ गई सर, कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, कंपार्टमेंट आ गई है ना, तो आप कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, एक का। लेकिन मान लो किसी के 5 हैं सब्जेक्ट क्लास 12th में, लेकिन हुआ क्या, किस्मत उसकी थोड़ी सी खराब थी तो उसकी एक सब्जेक्ट में और RT आ गई, तो क्या ये दो सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकता है कंपार्टमेंट में, नहीं दे सकता है, क्योंकि सर अगर दो सब्जेक्ट में RT आई हुई है क्लास 12th में तो भैया आपकी कंपार्टमेंट नहीं आएगी, वहाँ एसेंशियल रिपीट आएगी, आपको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम दोबारा देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक स्पेशल कैटेगरी है जहाँ पर दो सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं कंपार्टमेंट होते हुए, कौन सी वो स्पेशल केस है ध्यान से समझिएगा, देखो ये किसी ने नहीं बता रखा होगा पूरे यूट्यूब पर, ध्यान से समझना,
काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास ट्वेल्थ में जिनके पास है टोटल 6 सब्जेक्ट। कितने हैं सर? 6 सब्जेक्ट हैं। अब 6 सब्जेक्ट हैं और मान लो इन 6 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में सर आ गई आरटी, एक मिनट रुकिएगा इसको मैं कलर को ज़रा सही कर लूं, एक सब्जेक्ट में मान लो आ गई सर आरटी, एक में फेल हो गया, तो क्या ओवरऑल रिजल्ट सर कंपार्टमेंट होगा? नहीं होगा सर कंपार्टमेंट, ये पास है। एक सब्जेक्ट में जरूर इसकी कंपार्टमेंट आई लेकिन ओवरऑल रिजल्ट पास होगा, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में पास होने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट चाहिए होंगे। अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हो तो क्लास ट्वेल्थ के अंदर आप पास हो मानो, ठीक है। लेकिन यहाँ एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा इसने ले रखा था, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट की वजह से ये पास माना जाएगा क्योंकि इसके पास 6 सब्जेक्ट थे, है ना। तो ये अगर चाहे तो ये आरटी हटा भी सकता है, लेकिन उस केस में बताऊंगा इसको इंप्रूवमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन इसी स्टूडेंट के मान के चलो एक सब्जेक्ट में और आरटी आ गई अभी। अब आप कहोगे हर्षित भैया आपने बोला था अभी कि अगर क्लास ट्वेल्थ में 2 सब्जेक्ट में आरटी आए तो एसेंशियल रिपीट हो जाती है, सभी सब्जेक्ट दोबारा देने पड़ते हैं। अब आप यहाँ क्या होगा, यहाँ सर इसकी कंपार्टमेंट ही होगी, यहाँ एसेंशियल रिपीट नहीं आएगा, पहले ही 2 सब्जेक्ट में आरटी है लेकिन यहाँ कंपार्टमेंट होगा। और बड़ी चीज़, 2 सब्जेक्ट के एग्जाम यहाँ पे देने को मिलेंगे कंपार्टमेंट में, हाँ, क्योंकि यहाँ 6 सब्जेक्ट थे सर, 6 सब्जेक्ट थे, समझ रहे हो। तो एक एक छोटे से छोटा मैंने आपका डाउट सॉल्व कर दिया, ठीक है। पहली कैटेगरी समझ में आई कंपार्टमेंट, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी कैटेगरी समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कंपार्टमेंट के बाद दूसरी कैटेगरी आती है सर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब इम्प्रूवमेंट में देखो सबसे पहली चीज़, जिनकी कंपार्टमेंट है, जिनका ओवरऑल रिजल्ट कंपार्टमेंट है, वो तो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा ही नहीं सकते। इम्प्रूवमेंट में भाई साहब वही जा सकते हैं जिनका ओवरऑल रिजल्ट क्या है सर, पास। एंड तक वीडियो को देखिएगा, अभी कंपार्टमेंट वालों के लिए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारे डाउट आपके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ओवरऑल रिजल्ट क्या है सर, पास, वही जा सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, जिन स्टूडेंट का रिजल्ट पास है, किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट नहीं आई, सभी सब्जेक्ट में पास हैं लेकिन उनको किसी सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा देना है, ठीक है, तो वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। सर कितने सब्जेक्ट देने होते हैं यहाँ पर? एक स्टूडेंट बोल रहा था सर सभी सब्जेक्ट देने पड़ेंगे क्या, कंपलसरी होते हैं? नहीं जी नहीं, आप इंप्रूवमेंट वाली कैटेगरी में जाओगे तो यहाँ सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी सर, लिस्ट आ जाएगी, आपको चूज करना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको एग्जाम दोबारा देने हैं। आप जो से भी चूज करेंगे उन सब्जेक्ट को देने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इंप्रूवमेंट में वो स्टूडेंट भी जाते हैं जिनके पास सब्जेक्ट है 5, या फिर इंप्रूवमेंट में वो भी जाते हैं, मैं बताता हूँ, जैसे कि 6 सब्जेक्ट हैं किसी के पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट हैं किसी के पास, ठीक है। अब 6 में से हुआ का एक सब्जेक्ट में आ गई सर आरटी, लेकिन इसके पास 6 सब्जेक्ट हैं, एक में आरटी आई तब भी ये पास है क्लास ट्वेल्थ में, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में ये पास है, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा था। तो ये भी भैया किस कैटेगरी में जाएगा? इंप्रूवमेंट वाले में, क्योंकि इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है? पास। तो यहाँ पर जिसमें आरटी आई हुई है वो यहाँ पर दे सकता है, क्लियर। इंप्रूवमेंट भी समझ में आ गया। एक तीसरा कैटेगरी और आपको मिलता है सर, वो मिलता है फेलियर, ठीक है। इसमें कंपार्टमेंट वाले भी जा सकते हैं, अच्छा ध्यान से समझिएगा कब किसको कहाँ जाना है। तो देखो सर ये जो फेलियर है ना, यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग जाते हैं सर। पहले वो जाते हैं जिनका आता है सर एसेंशियल रिपीट, मतलब उनको पूरी सारी रिपीट करनी है एक तरीके से, सभी सब्जेक्ट दोबारा देने हैं, एसेंशियल रिपीट वाले जाते हैं। और दूसरे यहाँ पे जाते हैं सर कंपार्टमेंट वाले, इज इट ओके? यहाँ 2 कैटेगरी के लोग जाते हैं, ओके देखो जो बच्चे पास होते हैं ओवरऑल वो तो बढ़िया, उनकी उनके लिए एक ही कैटेगरी, जो सभी सब्जेक्ट में जो पास है ना ओवरऑल, उनके लिए एक ही कैटेगरी है, वो इम्प्रूवमेंट। सभी सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं, एक सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं, ठीक है। जो कंपार्टमेंट है या जिनका फेल है वो यहाँ पे आते हैं फेलियर वाले में। सर जिनकी एसेंशियल रिपीट आती है ना, उनको यही वाला चूज करना पड़ता है और ऑल सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ते हैं, क्लियर। लेकिन सर ये बताओ कंपार्टमेंट वाले फेलियर में क्यों जाते हैं? कुछ स्टूडेंट जाते हैं, सभी नहीं, आपकी चॉइस है, कंपार्टमेंट में जाओ या फेलियर में जाओ, अगर आपकी ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको केस बताता हूँ सर। काफ़ी बार क्या होता है ना, जैसे 5 सब कोई बंदा है क्लास ट्वेल्थ में, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है उसके पास, हुआ क्या उसका आ गया एक सब्जेक्ट में आरटी, ठीक है। अब वो बंदा सोच रहा है कि आरटी सब्जेक्ट ये तो मेरे को देना कंपलसरी है एग्ज़ाम, वो कह रहा है कि सर मेरे को तो ना, मैं सोच रहा हूँ सभी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दोबारा दे दूँ, शुरू से ही पढ़ूंगा मैं सभी सब्जेक्ट के दूंगा सर। तो क्या ये पॉसिबल है? कंपार्टमेंट वाले में तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का आप दे सकते हो क्लास ट्वेल्थ में, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो, लेकिन ये तो बोल रहा मुझे सभी सब्जेक्ट के देने हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, कंपार्टमेंट भले ही हो आपकी, आप फेलियर वाली कैटेगरी में अगर जाते हो सर तो आप ऑल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हो, जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है वो तो मिलेगी देने को, साथ ही साथ बाकी सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आप दोबारा दे सकते हो। वो स्टूडेंट जाते हैं फेलियर की तरफ, समझ गए सर? ओके हाँ जी।
तो यहाँ से तो सर कैटेगरी क्लियर हो गई, ठीक है, कैटेगरी आपने चूज़ कर ली, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कैटेगरी चूज़ करना, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका रेडी है, फोटो सिग्नेचर रेडी है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोले थे सर सिलेबस क्या होगा, सर पुरानी वाला होगा या नया होगा लेटेस्ट वाला? सर सिलेबस आपका लेटेस्ट होगा, सिलेबस आपका वही होगा जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में फॉलो हो रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 वाले स्टूडेंट जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर एग्ज़ाम क्या रेगुलर कैंडिडेट्स की तरह ही होगा हमारा? यस, उन्हीं के साथ होगा। जैसा रेगुलर कैंडिडेट्स का पेपर आएगा बिल्कुल वैसा ही प्राइवेट कैंडिडेट्स का भी आएगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है। ड्रेस कैसा पहन के जाना है, यूनिफॉर्म? सर नॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हो, अब स्कूल से कोई लेना देना आपका नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर फॉर्म्स कब आएंगे? चलो जी फॉर्म्स की मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, और अगर मुझसे फॉर्म फिल कराना है उसका तरीका भी आपको बताता हूँ, नंबर देने वाला हूँ अपना, ठीक है। देखो जी ध्यान से समझिएगा फॉर्म्स कब आएंगे। सर फॉर्म्स आने से पहले एक सर्कुलर आएगा, जब वो सर्कुलर आ जाएगा उसमें आपकी फॉर्म की डेट भी मिल जाएगी, उसके बाद फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। पिछले साल की बात करी जाए तो ये जो सर्कुलर था ये आया था 5 तारीख को, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज भी तारीख है 5 सितंबर, ठीक है, लेकिन इस बार बता दूँ मुझे लग रहा है 6-7 तारीख को आपका सर्कुलर आ जाएगा या आज भी आ सकता है। इस सर्कुलर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको देखना है क्या था सर्कुलर होता है, मैंने वीडियो बनाई हुई आ जाके देख सकते हैं। इस सर्कुलर में सारी जानकारी होगी कैटेगरी के बारे में, ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, यही चाहिए होंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए, ठीक है। साथ ही साथ फॉर्म फिलिंग किस डेट को स्टार्ट होगी वो भी इसमें लिखा होगा, ठीक है। लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म फिलिंग की वो भी इसमें लिखा होगा, ठीक है। और आपकी फ़ीस कितनी होगी वो भी इसमें लिखा होगा। फीस का भी क्लियर कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर प्रैक्टिकल फ़ीस क्यों लग रही है, दोबारा प्रैक्टिकल होंगे क्या? बताऊँगा मैं एंड तक। देखो पिछले साल की बात करी जाए तो पिछले साल एग्जैक्ट डेट लगभग 12-13 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी प्राइवेट कैंडिडेट्स की। इस साल भी आप बोल सकते हो अप्रोक्स वही 12 सितंबर 13-14-15 इसके आसपास फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप मान के चलो 12 सितंबर के बाद ही आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, और टेंशन नहीं लेना सर, एक महीने का टाइम मिलता है, एक महीने के टाइम के अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो कोई जल्दी नहीं है इस चीज़ को लेके, ठीक है। बात मैं फ़ीस की करता हूँ यहाँ पर, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर फ़ीस कितनी लगती है, ठीक है जी। देखो इंडिया की अलग फ़ीस होती है और अदर जो कंट्रीज़ हैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो वैसे फ़ीस की बात करी जाए यहाँ पर तो सर फीस होती है अप्रोक्स, अभी वो आएगा आपको पता चल जाएगा, 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, ये सर आपकी फ़ीस होती है। लेकिन ये जो फ़ीस होती ना ये सिर्फ थ्योरी इसमें इंक्लूडेड होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब जैसे कि आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, यहाँ पर क्या होता है प्रैक्टिकल भी होता है हमारा, तो यहाँ पर 300 रुपीज़ तो लगते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ 150 रुपीज़ और लगते हैं। सर किस चीज़ के लगते हैं? ये लगते हैं सर प्रैक्टिकल के। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं भाई 150 रुपीज़ क्यों लगेंगे, प्रैक्टिकल दोबारा होंगे? मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल दोबारा नहीं होंगे। सर फिर फीस किस बात की लग रही है? हैं देखो प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होते हैं ना ये भाई कैरी फॉरवर्डेड हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। जो मतलब आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे ना वहाँ पर जो आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिले थे वही कैरी फॉरवर्डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो भैया फ़ीस किस बात की लग रही है 150 रुपये? सर कैरी फॉरवर्डेड की लग रही है, समझो। अब देखो मेरे हाथ में नहीं है, वो CBSE की इच्छा है, फ़ीस लेते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल फ़ी देनी पड़ती है। जैसे कि आपका मैथ हो गया उसमें नहीं लगती है प्रैक्टिकल फ़ी, ठीक है। ये भैया किसकी फ़ी है? CBSE की है, ठीक है। अब आप जिससे फॉर्म फिल कराओगे तो वो लोग भी कुछ चार्ज करते हैं अप्रोक्स, आप मान के चलो काफ़ी सारे है ना, कुछ लोग डिपेंड करता है मुझे नहीं पता, कुछ लोग 499 रुपीज़ ले रहे हैं फॉर्म फिलिंग के, है ना, बाकी हैं कुछ लोग 200 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, आप जिससे फॉर्म फिल करा रहे हैं अपना टाइम देगा एनर्जी देगा तो वो इतना चार्ज कर सकता है आपसे, बट ऑफिशियली जो CBSE की फ़ीस होती है वो इतनी होती है, समझ गए, ठीक है। और आप किसी से फॉर्म फिल करा रहे हैं तो वो अप्रोक्स 200 रुपये, कोई 500 लेगा, ठीक है। तो वो अपनी अपनी लोगों की फ़ीस होती है, किसका कितना टाइम है, ठीक है। अब देखो अगर आपको मेरे से फॉर्म फिल कराना है आपको मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं जो नंबर दे रहा हूँ ओनली आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, ठीक है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। हालांकि कॉल करोगे तो लगेगा भी नहीं, और व्हाट्सएप पे भी कॉल मत करना, कॉल पे बात करना है। मैं खुद आपको व्हाट्सएप पे कॉल कर लूँगा जब फ्री होऊंगा, या फिर मैं आपको फॉर्म फिल करूँगा तो मैं खुद आपको कॉल करूँगा पहले, ठीक है। आपको सिर्फ मैसेज करना है, उसके अलावा
आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देनी है। अगर आपको मेरे से फॉर्म फिल कराना है तो आप अभी से मेरे कॉन्टैक्ट में रहो, जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं तुरंत आपका फॉर्म फिल कर दूंगा। इन्फॉर्मेशन आपको सारी अपनी शेयर करनी है, जैसे कि रिजल्ट आपका क्या रहा और ऊपर मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए वो सारे आपको रेडी रखने और मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना है, ठीक है। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा, सारी चीज़ समझा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो फॉर्म फिलिंग की फ़ीस रहेगी मेरी वो 200 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। हालाँकि आप फी पे नहीं करना चाहते 200 रुपीज, आप खुद से फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे भैया आप फॉर्म फिल नहीं करते क्या, मैंने कहा ठीक है कर देते हैं स्टार्ट, क्योंकि मेरे पास और भी काम रहते हैं, डैट्स वाई मैं फॉर्म फिलिंग पहले नहीं करता था, बट अभी मैं कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है। तो मेरी फ़ी रहेगी 200 रुपीज़ किसकी, फॉर्म फिलिंग की, ठीक है। तो अगर आप रेडी हो पे करने के लिए 200 रुपीज़ फॉर फॉर्म फिलिंग, तो आप मैसेज कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, मैं आपका फॉर्म फिल कर दूंगा जैसे ही फॉर्म रिलीज होंगे, और थोड़ा कॉल पर डिस्कस भी कर लूँगा कौन सा कैटेगरी वगैरह आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, बाकी जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं खुद आपको प्रैक्टिकली सिखा दूंगा अपने चैनल पे फॉर्म फिल कैसे करते हैं, ठीक है। आपको 200 रुपीज़ ये पे नहीं करने पड़ेंगे अगर आप खुद से फिल करते हैं, ठीक है। लेकिन सही से फिल करना, ये चीज़ खास ध्यान रखो, फोटो का साइज़ कम करना, प्रॉपर सही से है कि नहीं वो सब देखना हमारा काम रहता है, सही से अपलोड करना सारा, कोई भी गलती ना हो, ठीक है। प्रॉपर आपसे चेक भी करा लेंगे वीडियो कॉल पर, सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लो, ठीक है। तो सही से फिल करना है, ओवरऑल नहीं कर पा रहे हो आप हमसे करा सकते हो, 200 रुपीज़ फीस रहेगी। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, 7055119167, ठीक है, 7055119167 ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ कॉल बार बार मत करना, सिर्फ मैसेज करना, मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा फ्री होके, हैं। और मैसेज तभी करना अगर आपको फॉर्म मेरे से फिल कराना है और 200 रुपीज़ फी आप पे कर सकते हो, ठीक है। जिनके पास पैसे नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है कि जिनके पास पैसे होते हैं वही सब कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको सिखाऊंगा कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे पे करने के लिए नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से फिल कर सकते हैं फॉर्म अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, मैं सिखा दूंगा प्रॉपर फॉर्म से कैसे फिल करेंगे, तुरंत वीडियो बनाऊंगा जैसे फॉर्म रिलीज होंगे। लैपटॉप से कैसे करेंगे, तुरंत वीडियो बनाऊंगा जैसे फॉर्म रिलीज होंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री आपको रहना है, ठीक है। सिर्फ उनके लिए नंबर है जो खुद से फिल नहीं कर पा रहे हैं या चाह रहे हैं कि आप ही फिल कर दो, तो वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसे हैं, ओके। इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।